कोरोना वायरस से बचाव को लेकर केंद्र सहित राज्य सरकारें और अन्य एजेंसियां युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करने के बाद आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ उनके राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की और हालात से निपटने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने के लिए कहा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। हमारी तरफ से हर स्टेट को आदेश जारी किए जा चुके हैं। ये आदेश स्टेट को बताया गया है कि आपके पास जो भी रिक्वायर्ड लीगल पावर्स हैं, चाहे वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो, चाहे सीआरपीसी, चाहे आईपीसी, और उसके साथ ही किस रूप में आप समाज के सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हुए इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, उसके लिए जो भी निर्णयात्मक कदम उठाने जाने चाहिए, सबके सपोर्ट से, सबके सहकार से हम उसको कदम को उठाएं, ये चीज भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज कोरोना वायरस के मुद्दे पर संसद सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताजा हालात की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में अब तक कोरोना के 223 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इन लोगों के संपर्क में आने वाले 6700 लोगों को निगरानी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए केंद्रीय टीमों को भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी उपायों पर काम कर रही है। उन्होंने इससे बचाव के लिए लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन वैक्सीनेशन इस बीमारी की नहीं है, तो आज अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस में कैसे हम सोशल डिस्टेंस रखें उस पर काम करें तो हम उसको ढंग से मैनेज कर पाएंगे। जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक या तो हॉस्पिटलाइजेशन या इलेक्टिव सर्जरीज को अगर हम कुछ समय तक के लिए स्थगित कर सकते हैं तो वह बहुत एक अच्छा प्रयास होगा। इससे दो तरीके से हमें फायदे होंगे। एक तो क्योंकि इन जगहों पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एक पेशेंट होता है जो सर्जरी के लिए जाता है वो ऑलरेडी काफ़ी वल्नरेबल होता है, तो हमें ये चाहिए कि उन जगह पर उन पेशेंट्स को वो इन्फेक्शन का खतरा जो है कम से कम हो, तो कम से कम उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो आपको आज प्रयत्न करके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको हम फ्री करके, उनको यूटिलाइज करके अगर केसेस कभी बढ़ते हैं तो हम उनके सपोर्ट को उनको यूज कर पाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के उपायों को लेकर आज हिंद प्रशांत के कई देशों की टेलीकॉन्फ्रेंस हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इसमें शामिल हुए। बातचीत की शुरुआत अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बैगन ने की। इसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड और जापान के प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेश सचिव श्रृंगला ने कोविड-19 से मुकाबले के मामले में भारत की रणनीति से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया, साथ ही पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। हिंद प्रशांत के अन्य देश मिलकर इसके दुष्परिणामों और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर साप्ताहिक रूप से वार्ता जारी रखेंगे। इसके अलावा भारत के विदेश और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने चीन की पहल पर दक्षिण एशिया और यूरेशिया के 19 देशों के प्रतिनिधियों की अलग से बुलाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उधर बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भारत से चीन जाने वाले को अतिरिक्त सावधानी बरतने के अलावा कोरोना से संबंधित हेल्थ कार्ड लेकर जाने की हिदायत दी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां अब तक कुल 52 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने 4 शहरों मुंबई, एमएमआर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी, चिचवाड़ और नागपुर में सभी दफ्तर, अहम प्रतिष्ठान और बाजारों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है। आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। मुंबई लोकल अस्पताल, पुलिस थाने और बैंक खुले रहेंगे। मेडिकल सेवाएं भी निर्बाध रूप से मुहैया कराई जाएगी।
दिल्ली मेट्रो रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन बंद रहेगी। वहीं मेट्रो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री मेट्रो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही करें। वहीं मेट्रो में सभी को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। ये नियम आज से लागू हो गया है। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई सलाह के मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालनों को अस्थायी रूप से 22 मार्च से 29 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,45,000 के करीब पहुंच गई है। इटली में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में 12 मार्च से ही लॉकडाउन है। पहले लॉकडाउन को 25 मार्च तक जारी रखे जाने की योजना थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। चीन ने वुहान शहर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। चीन में अब तक 3,248 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि चीन में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 81,000 है, जो अब भी इटली से ज्यादा है। अमेरिका में जानलेवा कोरोना वायरस की तेजी से फैलने को लेकर चिंतित भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक प्रभावशाली समूह ने संघीय और राज्य सरकारों से शहरों और संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखने और लॉकडाउन का अनुरोध किया है। अमेरिका में संक्रमित मामलों की संख्या 14,299 है और 218 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के मामले सभी 50 राज्यों में दर्ज किए गए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1433 तक जा पहुंचा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में कोरोना काबू में नहीं है। गूगल ने भी अपने होमपेज को अपडेट किया है। यहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और सेफ रहने के लिए 5 टिप्स बताई हैं। गूगल के होम पेज पर एक स्पेशल अलर्ट बॉक्स ऐड किया गया है। ये बॉक्स गूगल सर्च बार के ठीक ऊपर है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोरोना से जुड़ा उठा मुद्दा भी उठा और बीएसपी सांसद रितेश पांडे के कोरोना वायरस के परीक्षण पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया कि साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की सलाह पर उन सभी लोगों का परीक्षण किया जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के मानकों के तहत लक्षण पाए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सामुदायिक संक्रमण की जाँच का भी जिक्र किया। देर इज ए वेरी वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल एंड साइंटिफिक एडवाइस अबाउट हु नीड्स टू बी टेस्टेड एंड दिस इज एक्सपर्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द साइंटिफिक एक्सपर्ट्स दैट यू सी समवन लाइक से समबडी हैज सिम्टम्स ही हैज ए ट्रेवल हिस्ट्री देन ऑल द सिम्टोमेटिक केसेस देन ऑल द कॉन्टैक्ट्स And you know, we have informed you earlier also, we are doing a very detailed contact tracing. Right now, the infection in this country, you see, it is traveling from one person to other. It has not yet gone into the community. Even for the community also, separately, the ICMR is doing tests for picking up people from the community to see whether there is any evidence of transmission in the community. So I can say with perfect and utmost confidence and authenticity that whatever tests we are doing on whom, they are with perfect scientific advice. So no one in this house should have any doubts about that. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वायरस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में रोजाना 1.5 करोड़ मास्क बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इनिशिएटिव लिया है और कल सारे राष्ट्र को संबोधित भी किया है। उसको देखते हुए हमने माई सेल्फ वन मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स
मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक मेंबर के रूप में कोरोना वायरस के लिए देश में क्या क्या स्ट्रेटेजी बन रही है या तो कार्ययोजना बन रही है उसके पर हम काम कर रहे हैं। सब पहले से ये तीन रास्ता है जो देश में ये वायरस विदेश से आ जाए, एक एयर रूट, एक सी रूट, तीसरा भूटान, बांग्लादेश और हमारे नेपाल जैसे देश की बॉर्डर हमारी है। सभी जगह पे सब कड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सभी देश में इफेक्टेड कंट्री से कोई भी मरीज देश में आते हैं या तो कोई भी ट्रैवलर आते हैं उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। वैसे ही सी रूट से मैं सर लुकिंग शिपिंग मिनिस्ट्री ऑल्सो सर शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने सारे पोर्ट पर इनिशिएटिव लिया है। कोई भी क्रू आए उसको क्वारंटाइन कंपलसरी किया है। पर डे 1.5 करोड़ मास्क बना सके इतनी हमारी कैपेसिटी है। उसका प्रोडक्शन भी ऑलरेडी शुरू हो गया। देश में मास्क की कमी नहीं है, देश में ग्लोव्स की भी कमी होने की संभावना नहीं है। सैनिटाइजर भी देश में देश की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और देश में ऐसी कोई भी स्थिति ना खड़ी हो कि देश में क्राइसिस हो उसको देखते हुए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। धन्यवाद। संसद के दोनों सदनों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित उपायों के साथ एकजुटता दिखाई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रविवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और राज्यसभा उनके साथ है। आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है, सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है। कोरोना वायरस की वजह से यातायात के साधनों में कमी के मद्देनजर सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विमान सेवाओं के समय बदलने और ट्रेनें रद्द होने की वजह से अनेक सदस्यों ने सोमवार को बैठक का समय बदलने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि सदस्यों के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया गया है और सोमवार को सदन की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होकर कामकाज समाप्त होने तक चलेगी। सभापति ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल 23 मार्च के लिए है। इन व्यू ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ फ्लाइट सर्विसेज मंडे द पार्लियामेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 PM इन द आफ्टरनून एंड कंटिन्यू टिल द बिजनेस इज ओवर। वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर का जायजा ले रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में MSME, पर्यटन, विमानन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की। इसमें संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया। मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से जुड़े पक्षकारों और जन और प्रतिनिधियों से इस बारे में बातचीत कर वित्त मंत्रालय को उनके बारे में जानकारी दी। जब हम इस मंत्रालय से मंत्रीगण के और उनके सचिवों से बात किए, उनके तरफ से उनके सेक्टर में जितने लोग हैं उनसे बात करने के बाद ही आए हैं। सो विस्तार से चर्चा हुई। मेरे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ईए इकोनॉमिक अफेयर्स भी थे। अभी कंपाइल कर रहे हैं, देखते हैं। कल सुबह भी हम मंत्रालय में मिलेंगे, बात करेंगे। जब तक कब तक ये अनाउंसमेंट होगा वो आज मैं बोल नहीं पाऊंगी। जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी हम करने के लिए कोशिश करेंगे।